हेलो स्टूडेंट्स, आज है डे सेकंड और आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग की। गाइस, राइटिंग के अंदर दो सब मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट है समराइज रिटन टेक्स्ट, सेकंड इज एसे राइटिंग सेक्शन। पूरी वीडियो एंड तक देखना, इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या 90 आउट ऑफ 90 इन दो सब मॉड्यूल्स के सहारे आ सकते हैं। आंसर है नहीं। अगर नहीं तो कैसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, सबसे पहले हम वो जानेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग सेक्शन का टेम्पलेट, जिससे हमारे स्टूडेंट्स 90 आउट ऑफ 90 और 79 ईच ले चुके हुए हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। और ये सेकंड वीडियो है, अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने स्पीकिंग के हर एक सेक्शन को इजी वे के साथ सारे टेम्पलेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की है, वो जरूर देखना, आपको जरूर हेल्प होगी। समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग सेक्शन, आज का टॉपिक है पीटीई राइटिंग सेक्शन। गाइस, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं? समराइज रिटन टेक्स्ट 1 और 2 आ सकता है, एसे राइटिंग सेक्शन 1 और 2 आ सकते हैं। गाइस, ज्यादातर जो स्कोर्स आते हैं वो हमारे, इसमें से इजी सेक्शन कौन सा है, वो है समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन। दोनों ही सेक्शन बड़े इजी हैं। ज्यादातर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एक एक, मतलब दो नहीं आते। अगर दो भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके जो स्कोर्स होते हैं राइटिंग के साथ साथ रीडिंग में होते हैं, और ऐसे राइटिंग के सिर्फ राइटिंग के अंदर स्कोर्स होते हैं। इसके अलावा पीटीई राइटिंग के अलावा जो मॉड्यूल हैं जिनमें से हमारे को रीडिंग के या राइटिंग के स्कोर्स सबसे ज्यादा मिले, वो कौन सा है, इसके अंदर हम देखेंगे। पीटी रीडिंग में रीडिंग, राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसके अंदर हमारे पास राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जिसके अंदर राइटिंग के साथ साथ लिसनिंग के स्कोर्स होते हैं। मैं वो टॉपिक लिख रहा हूँ जिनके अंदर राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। तो अगर आप राइटिंग को फोकस कर रहे हो तो नेक्स्ट आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग, जिसके अंदर लिसनिंग या राइटिंग के स्कोर होते हैं। और सिक्स्थ आ गया राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इसके अंदर भी राइटिंग के साथ साथ लिसनिंग के स्कोर होते हैं। तो ये सिक्स सेक्शंस जो हैं आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, सिक्स सेक्शंस, इनका सारे का कॉम्बिनेशन हमें 90 आउट ऑफ 90 दिलवा सकता है। अब हमें ये देखना है कि मार्क्स सबसे ज़्यादा किस में होते हैं। मैंने पीटी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था जिसके अंदर सिर्फ रीडिंग सेक्शन की थी। रीडिंग के अंदर सिर्फ रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, और मैंने सिर्फ रीडिंग करी और मेरे अप्रॉक्सीमेटली 40 स्कोर्स जो हैं, 40 स्कोर्स अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ राइटिंग में आए। रीडिंग में और कोई सेक्शन होता नहीं है राइटिंग का, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स थे। अप्रॉक्सीमेटली वो क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से 10, हाँ इतने क्वेश्चन आए थे। तो मतलब ये कहने का हुआ कि अगर राइटिंग के स्कोर्स इसमें से इतने आ रहे हैं तो बाकियों में देखिए कितने से कितने आ रहे हैं। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स, जिसके अंदर 90 में से कम आपको 40 स्कोर आएंगे ही आएंगे अगर आपके रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स सही होते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसके 15 मार्क्स हो जाते हैं, कितने हो गए 55। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो 7 मार्क्स का एक है, कितने हो गए 29 मार्क्स ये टोटल हो गए। मतलब सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल से हमें 29 मार्क्स मिल रहे हैं अगर हमारे सारे सही हो जाते हैं। तो बाकी के जो सेक्शन हैं 61 स्कोर्स कहां से आएंगे, वो इन सभी सेक्शन से आएंगे। तो अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको ये सारे सेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। अब मान लीजिए राइट फ्रॉम रोटेशन के अंदर हम अंदाजा लगा के चलते हैं 2 और 3 क्वेश्चंस आएंगे, उस हिसाब से आपके कैलकुलेट हो जाएंगे इसके अंदर।
फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर जो जितने क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से, स्पोकन टेक्स में उस हिसाब से। तो मतलब हमारे को ये तो श्योर श्योर पता लग गया कि इसके अंदर 29 स्कोर्स हैं सिर्फ, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। अगर कोई भी, अगर किसी चीज को हमने प्रूव करना है उसका एग्जांपल तो लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस की एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 क्वेश्चन की ले रहा हूँ, यहाँ पर 10 ब्लैंक्स की ले रहा हूँ, और यहाँ पर 1 और 2 की ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 1 और 2 की, यहाँ पर 2 और 4 की, इसके अंदर अंदर। तो टोटल 21 स्कोर जो हैं वो आपके इन तीनों सेक्शन में से आ सकते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि राइटिंग के स्कोर्स कौन कौन से सेक्शन में हैं। ये तो हमारा पहला हिस्सा हो गया हमारा आपको मार्क्स बताने का कि भाई कैसे कैसे कंट्रीब्यूट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको पता रहेगा कि कैसे हमने कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं राइटिंग में या कुछ भी टॉपिक में जिससे हमारे राइटिंग के स्कोर नहीं आते। पूरी वीडियो एंड तक देखना गाइज, आपको पता रहेगा। देखो अगर हम बात करें समराइज रिटर्न टेक्स्ट की, समराइज रिटर्न टेक्स्ट जो है वो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिपेंड रहता है, उनके मार्क्स जो होते हैं वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो समराइज रिटर्न टेक्स्ट के अंदर हमारे जो मार्क्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म हो गया जैसे कि आपको लेंथ दी गई है 5 to 75 वर्ड्स के बीच में अगर आप लिखते हो तो आपको 1 वाक मिलेगा। अगर ये कंडीशन को 5 to 75 वर्ड्स मैं लिख लेता हूं यहां पर, अगर इसके बीच में नहीं लिखते हो तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इसको कंफ्यूजन मत कर लेना, 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। अगर आप इसके बीच में लिखोगे तो 1 मिलेगा। अगला टॉपिक आता है कंटेंट। इन सभी के सहारे आप नंबर लोगे। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन के रिलेटेड आप लिखोगे तो आपको ज्यादा वर्ड्स लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके हाईएस्ट क्या होते हैं? 2। अगर आप आधे में लिखोगे तो 1 मिलेगा, कुछ नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर में जो हाईएस्ट स्कोर्स होते हैं वो होते हैं 2। अगर कोई भी गलती नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, ये वो, इज आर एम, ये वो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फुल बटा फुल स्कोर लेके आ सकते हो, उसकी टेंशन ना लो। पहले आप इसको समझिए, बेसिक क्लियर होगा देन आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोकैबुलरी। अब देखो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि अच्छे वर्ड्स करने, उसके बेसिस के ऊपर हमें स्कोर मिलना। तो गाइज वोकैबुलरी का इतना टेंशन नहीं है, जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसके अंदर आपकी वोकैबुलरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा लिखोगे 1 मिलेगा, थोड़े लिखोगे तो 1, ज़्यादा लिखोगे तो 2 मिलेगा, 1 बीच बचा ले कम जैसे लिख दिया, 0 कुछ भी नहीं लिखा। अब हम इसको देखते हैं, अब हाइएस्ट मार्क्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब हमारा एक समराइज रिटर्न टेक्स्ट 7 मार्क्स का होता है, और इसमें से हमारे को रीडिंग के स्कोर्स भी जाते हैं। अब वो पीछे क्या कैलकुलेशन हो रही है वो हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कोई अंदाजा लगाकर अगर हम चलेंगे तो हमारे को पता लगेगा, अदरवाइज तो फिर हमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा समराइज रिटर्न टेक्स्ट में से। ठीक है, अब आते हैं एसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग में भी यही सारी चीजें होती हैं। फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी लेंथ अगर 200 से लेकर 300 के बीच में आपने वर्ड लिखने हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हो तो आपको 200 से 300 के बीच में लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लिखते हो 120 to 199, मतलब 200 पूरा नहीं किया, 120 से लेकर 199, और आप लिखते हो मोर देन 380 लाइक 301 से लेकर 380 के बीच में, मैं आपको लिख देता हूं, अगर तो आप ये लिखते हो 200 to 300 तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लिखते हो 120 to 199 या
301 से लेकर 380 के बीच में, तब आपको एक नंबर मिलेगा। अगर कुछ नहीं लिखते हो यहाँ, ये कंडीशन नहीं आती, तो जीरो नंबर मिलेगा। अब देखो, अगर राइटिंग के स्कोर्स देखे जाएं ऐसे राइटिंग में, 2 मार्क्स तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल गए, सिर्फ लेंथ कंप्लीट करनी है। अगर बाय चांस मान लीजिए आपका लेंथ कंप्लीट नहीं हो पाती है, जो कि आपको करनी है, अगर नहीं हो पाती है, जैसे 199 वर्ड लिख दिया, एक वर्ड आप मोर ओवर या एडिशनली या कुछ और डालकर आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका जो ऐसे है वो उसके अंदर कंटेंट का होना बहुत जरूरी है गाइस। कंटेंट में हमारे को हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, इसके इसके अंदर हमारे को 3 मार्क्स मिलते हैं। 3, 2, 1, 0 थ्री मार्क्स मतलब हमारे जो सारे एडिकेटेड डील्स विद द प्रॉम्प्ट जो बताया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कीवर्ड्स का सहारा देख लो। अब जो मैं आपको टेम्पलेट दूंगा उसके अंदर कीवर्ड्स कम से कम 6 to 9 कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर क्वेश्चन लिखते हो तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगेन जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सेम इसी जैसा। अगर ग्रामर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं हो रही है, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही है, इज आर एम हैव हैज हैड एस ई एस कोमा अटरम पटरम सारा कुछ आपने सही लगाया हुआ है, तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवेलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डिवेलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप कैसे लाइंस को बना रहे हो, कैसे आपका स्ट्रक्चर है, कैसे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 210। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है हमारे पास वो आता है जनरल लिंग्विस्टिक रेंज। इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी आप कंटेन करते हो अपने लैंग्वेज को लेकर, फॉर्मूले थॉट को लेकर, अपने आइडियाज को लेकर, जेन्युइन लिंग्विस्टिक्स। ओके, जनरल लिंग्विस्टिक्स रेंज, तो आपको इसके अंदर भी 2 मार्क्स मिलते हैं। आप टोटल कर लीजिए, 2 + 3 = 5 + 7, 7 + 9 + 2 = 11। और इसके अलावा हमारे पास और भी आते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी हो गया, स्पेलिंग हो गया, उसके अंदर भी होते हैं, वोकैब हो गया और स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, 11, इसके अंदर भी 2, 11 + 4 = 15। हमारा एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है 15 मार्क्स का। ये हमारा ऐसे राइटिंग सेक्शन के मार्क्स हो गए। ठीक है, इन सभी चीजों के आधार के ऊपर आपको ये सारी चीजें करनी है, अदरवाइज आपके जो स्कोर्स हैं वो लूज हो सकते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि ऐसे राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है, आपको मैं टेम्पलेट बताऊंगा, उस टेम्पलेट के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि मुझे उस टेम्पलेट के अंदर कीवर्ड्स पुट करने आते हैं या नहीं आते हैं। राइट, तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। लेकिन उससे पहले एक और कैलकुलेशन मैं बता दूं। अब देखो, मेरे हिसाब से एज पर माय एक्सपीरियंस, अब ग्रामर के अगर बाय चांस आपने एक गलती की मान लो, तो हमारे कितने नंबर मिलेंगे। हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर चलते हैं, मान लीजिए, क्या पता इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग की हो कि भाई अगर किसी बच्चे ने 2 गलतियां की हैं वो माफ कर दो, या 2 से 3 गलतियां की हैं उसको माफ कर दो, या 5 गलतियां की हैं उसको माफ कर दो, 5, 6 से लेकर 10 के बीच में कोई एरर आता है तो उसका एक नंबर काट लो, अगर 10 से ज्यादा गलतियां होती हैं तो उसके नंबर काट लो। क्या पता उन्होंने एक रेंज रखी हो कि भाई 2-3 गलतियां माफ कर दो, अगर 3 से ज्यादा आती हैं, 3 से 7 के बीच में आती हैं तो 1 नंबर दे दो, अदरवाइज उसको 0 नंबर दे दो। हम ये एक प्रेडिक्शन लेके चलते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ओवरऑल ये जो सारा टेस्ट है वो सारा तो AI बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, अब AI कैसे कैलकुलेट करता है, आप देखा होगा कि वर्ड, अगर हम MS वर्ड की बात करें, MS वर्ड में क्या होता है, MS वर्ड में अगर कोई आप टाइप गलत करते हो तो वो आपको एरर शो कर देता है कि भाई ये आपकी इतनी गलतियां हो चुकी हैं। तो यही मेथड इसके अंदर यूज हो रहा है गाइस, तभी, वरना तो और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपके आइडियाज और क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com, यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो आपको
एक फ्री स्कोर मॉक टेस्ट मिलेगा, अकाउंट बनाओ यहाँ पर, मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक करो और आप यहाँ पर फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका फ्री मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा आप और भी बाय कर सकते हो। सो गाइस, बहुत जाने स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देके जाते हैं, तो आप भी दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, ये किसी बच्चे ने दिया था, तो आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर हम बता देते हैं। देखिए ये स्कोर आया है किसी स्टूडेंट का, जस्ट उसने चेक किया था कि क्या सही है क्या नहीं है, तो आप भी दे सकते हो। तो आज का टॉपिक है वो है समराइज रिटन टेक्स्ट। देखो मैंने आपको मार्किंग के बारे में बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको करना क्या होता है, आपको एक टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया है, सेंटेंस वन फिर एंड, सेंटेंस टू फिर कॉमा, मोर ओवर कॉमा, सेंटेंस थ्री कॉमा, प्रोबिंग फर्दर, फिर कॉम, फुल स्टॉप आएगा। प्रोबिंग फर्दर के बाद एस फोर फिर फुल स्टॉप। यहाँ पर बात क्या रखने वाले याद है, कॉमे के पीछे स्पेस आएगी, बच्चे कहीं नहीं डाल दें, मोर ओवर का एम छोटा आएगा। कई वेबसाइट के ऊपर आपको बड़ा एम डालने को मजबूर किया जाता है, लेकिन रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है गाइस। रियल एग्ज़ाम में आप ऐसा करोगे आपके नंबर जा सकते हैं। प्रॉबिंग फर्दर, ये भी पी छोटा आएगा, एफ छोटा आएगा, ये सारे कनेक्टर्स होते हैं, पीछे एक फुल स्टॉप है आपको लगानी पड़ेगी। याद रखना हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, 5 to 75 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है, राइट। तो अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके 3 सेंटेंसेस लगाने के बाद आपके मान लीजिए 65 वर्ड्स बन गए, तो आप 3 सेंटेंस को कॉपी कर सकते हैं, सेंटेंस वन कॉमा एंड, सेंटेंस टू कॉमा मोर ओवर कॉमा, सेंटेंस थ्री पीछे फुल स्टॉप, डैट्स इट। तो हमें इसका ध्यान रखना है 5 to 75 वर्ड्स का, अदरवाइज हमारे स्कोर्स जा सकते हैं। अब इनमें से ये देखिए कि ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट, ओके। पूरी वीडियो एंड तक देखना, पूरा समझ आएगा। ये तुम्हारा हो गया टेम्पलेट, ये हमारा हो गया वर्ड काउंट, राइट। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कौन कौन सी लाइन उठानी है, रूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, रूल्स क्या होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं इसके। सबसे पहली टिप जो है मैं दूंगा कि आपने एक इंडिपेंडेंट लाइन उठानी है। अब इंडिपेंडेंट लाइन उठाने के बाद आपको ये पता लगेगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट लाइन नहीं उठाते, हैंस उनके मार्क कम आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट लाइन कहते किसको हैं, इंडिपेंडेंट लाइन जैसे कि आप कह सकते हो जो किसी के सहारे ना हो, मैं आपको करके बताऊंगा फिर आपको पता लगेगा। दूसरा हमें क्या देखना है, कभी भी आपने प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना है, नॉट स्टार्टिंग विद प्रोनाउन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन कर सकते हो लेकिन फर्स्ट लाइन नहीं करनी है, ठीक है। साइड में लिखता हूँ, फर्स्ट लाइन जो बैठाओगे फर्स्ट सेंटेंस नहीं करना है। आपने ब्रैकेट वाला टेक्स्ट यूज़ नहीं करना है, नो टेक्स्ट इन ब्रैकेट, ओके। फोर्थ आता है, हमने जो पॉइंट्स में लाइन होती है जैसे 4.5% वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे 4.5 आ गया, 7.6 आ गया, पॉइंट जहाँ पे आ गया वो नहीं करना है, ठीक है। तो अगर बड़ी लाइन आ जाए तो आप उसको तोड़ सकते हो, कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये सारे रूल्स भी अप्लाई होने चाहिए। इंडिपेंडेंट लाइन हो, नॉट स्टार्टिंग विद प्रोनाउन हो, फर्स्ट लाइन के लिए ये ऊपर लगेगा, बाकियों के लिए आप चाहे प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इन्हें क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है, राइट। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए हमारे पास होते हैं सिर्फ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, रियल एग्ज़ाम में शायद इतना ना भी आए, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जिसमें टेक्स्ट कम हो। ये देखिए, अब यहाँ पर देखो आपने फर्स्ट लाइन को देखना है। मेरी वेबसाइट में आपको एक बेनिफिट पता क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे कॉपी पेस्ट करके इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और रियल एग्ज़ाम में उनसे टाइपिंग नहीं हो पाती। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको टाइप करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है। तो हम देखेंगे फर्स्ट लाइन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट सेट्स इन और स्टार्ट्स इन दी विंटर मंथ्स। हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा, सीजनल
अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो यहाँ पर स्पेलिंग है वही आपको एग्जैक्ट लिखने हैं। हालांकि ये देखिए सीजनल, ए छोटा है डी बड़ा है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। अब डिसऑर्डर के स्पेलिंग चेक करो, डिसऑर्डर के स्पेलिंग गलत है, प्रूफ रीडिंग जरूर करनी है। इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट सेट्स इन और स्टार्स इन विंटर मंथ्स। अब आगे क्या करना है, कॉमा डालना, फिर स्पेस डालना, फिर एंड डाल देना। अगर फर्स्ट लाइन आपको इंडिपेंडेंट नहीं मिलती है, इंडिपेंडेंट लाइन किसी के सहारे नहीं है, उसको किसी और के साथ लाइन जुड़ने से कोई वो नहीं होगा बेनिफिट, सो ऐसा नहीं करना है आपको, इंडिपेंडेंट लाइन ढूंढनी है। अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं, ढूंढो ढूंढो, सेकेंड लाइन के ऊपर गए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, ओके ओके डन हो गया। फिर हम आगे बढ़े, शॉर्टर स्टेट, ठीक है, आगे बढ़ के आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर ये लाइन उठा सकते हो, एक्सरसाइज रेजेस, ये लाइन बहुत बड़ी है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोटा कर सकते हो और यहाँ तक भी लिख सकते हो एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पर, अब ट्राई हमें ये करना है कि हम जो लाइन है वो किसी द से स्टार्ट होती हो या किसी नाउन से स्टार्ट होती हो। ये लाइन चेक करिए, दी वाइटामिन डी, हम लिखेंगे दी, दी का टी छोटा आएगा, वाइटामिन, देखो वाइटामिन का जो वी है वो बीच में है लेकिन वो बड़ा है। हम जैसा वहाँ पर लिखा है चाहे जो मर्जी हो आपने ऐसा कैसे लिखना, ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। काउंसिल रेकमेंड्स, यकीन मानो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर हासिल किया हुआ है इसी टेक्निक के साथ। बहुत ईजी है लेकिन समझाने वाला होना चाहिए अच्छा, और आप करने वाले होने चाहिए। मेक श्योर आप वैसा ही करोगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी प्रूव्ड हैं, आपको सिरखपाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। इफ़ यू गेट लिटल एक्सपोजर टू द सन, तो अभी हमें डालना है मोर ओवर, आप देख सकते हैं 39 वर्ड्स हो गए। तो अगर हमारे पास फोर्थ लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, फिर सेकंड हो गई और हम थर्ड लाइन की तरफ जा रहे हैं, अगर फोर्थ लाइन के लिए हमारे पास वर्ड्स बचे तो ही हम डालेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो हमें ढूंढना है नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन हम ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, पता है ट्राई क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक जैसे जैसे लाइन्स आ रही है वैसे वैसे उठाएं। अब देखो सीजनल फैक्ट्री, ये वाली लाइन उठा ली थी, अब ये भी लाइन उठा सकते हो आप, सैड डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय लोअर लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, ये वाली लाइन भी उठा सकते हो, बट हम थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, ये भी उठा सकते हो, सैड इज फॉर मोर, ये उठाते हैं मैं एंड के बाद ये उठा लगाता हूँ, एस ए डी, ठीक है पूरा आएगा, सैड कहाँ गया, या सैड इज फॉर मोर कॉमन इन नॉर्दर्न क्लाइमेट्स, ठीक है, वेयर डेज कैन बी वेरी शॉर्ट इन विंटर। हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ी लाइन ना हो, और यहाँ पर हम ओवर ओवर डाल देते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाद में पता चले कि मुझे ये वाली लाइन उठानी थी पहले। देखो 56 वर्ड्स हो गए हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप यहाँ पर एक और कनेक्टर डालकर एक और लाइन जोड़ सकते हो, प्रॉबिंग फर्दर, ये मेरा लास्ट कनेक्टर हो गया, और छोटी सी लाइन कोई भी उठा लीजिए, ये उठा सकते हैं, स्टडीज हैव फाउंड पीपल who have low levels of two chemicals found in fish. Okay, अब देखिए 72 words हो गए हैं, no problem, अगर आप कम भी लिख देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कोई मिस्टेक ना हो। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट सेट्स इन और स्टार्ट्स इन द विंटर मंथ्स, एंड सैड इज़ फार मोर कॉमन इन नॉर्दर्न क्लाइमेट्स वेयर डेज कैन बी वेरी शॉर्ट। देखो शॉर्ट के स्पेलिंग गलत है,
शॉर्ट इन विंटर. मोर ओवर द वाइटामिन डी काउंसिल रिकमेंड्स 2000 IU डेली. बस सजेस्ट के देखो स्पेलिंग गलत हो गए. ये गलतियाँ होती हैं. टेकिंग मोर इफ यू विल यू गेट लिटिल एक्सपोजर टू द सन प्रोमिंग वेदर द स्टडीज हैव फाउंड पीपल हु हैव लो लेवल्स ऑफ टू केमिकल्स फाउंड इन फिश. अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन चुका हुआ है. प्रूफ रीडिंग कर ली हुई है. प्रूफ रीडिंग नहीं की तो नंबर जाएंगे. ये बहुत ईजी सेक्शन रहता है गाइस. ठीक है, हम इसको मुश्किल ना बनाएं. ये तो फ्री के नंबर हैं. रीडिंग के अंदर अगर आपको स्कोर चाहिए तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप करोगे अपना समराइज रिटर्न टेक्स्ट. बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं. बाकी अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आता है मुझे कमेंट करते जाइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये ऐसे का टेम्पलेट है जो आज की डेट में काम कर रहा है. अगर किसी के राइटिंग में स्कोर नहीं आते तो उसका मतलब ये नहीं होता कई बार कि वो राइटिंग का टेम्पलेट जो है वो गलत है. रीज़न कुछ और भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राइटिंग के जो स्कोर्स हैं बाकी सब सेक्शंस में भी होते हैं. इन दो क्वेश्चन के सहारे, जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट और राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, इन दो मॉड्यूल्स के सहारे हमारे राइटिंग में 90 out of 90 नहीं आ सकते. हमें बाकियों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा. तो ये एक टेम्पलेट है. अब टेम्पलेट के अंदर अगर बाय चांस आपने ये टेम्पलेट यूज़ किया और आपके स्कोर नहीं आए तो इसका रीज़न कुछ और हो सकता है. मतलब आप दूसरे सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो. मेक श्योर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ताकि आपके नंबर ना घटें, जो मैंने आपको हर एक चीज़ इन डिटेल में बताई. राइट, तो गाइज बहुत इजी है. इन टू डेज वर्ल्ड अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड हैज़ इमर्ज्ड इज द इंक्रीजिंग एम्फोसिस ऑन. यहाँ पर ऐसे का टॉपिक आएगा. नो प्रॉब्लम, मैं आपको सैम्पल भी दूंगा. This phenomena has sparked widespread concerns about its potential implication. This essay aims to explore the pros and cons associated with this trend, focusing on the fundamental aspects of main keywords from the essay topic. Here, आप देखो यहाँ पर comma है, भूलना मत. और उसी तरह आप इसको रट्टा लगा लो, keyword 1, keyword 2, keyword 3. Remember one thing guys, आपको question में से जो question के related keywords हैं, पहले क्या होता था कि फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया और सेकंड पैराग्राफ में यूज़ किया, डेट सेट. बट अभी आज के डेट में पीटी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, स्टूडेंट के स्कोर नहीं आ रहे हैं. तो आपने क्या कर रहा है, हर एक पैसेज में ट्राई करना है कि हमने कोई ना कोई बीच में ऐड करें. यहाँ पर देखो ऐसे टॉपिक आ गया, मेन कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे. यही तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. यहाँ पर कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3, अगर दो कीवर्ड डालना चाहते हो तो कॉमा कीवर्ड 1 कॉमा एंड कीवर्ड 2 डाल सकते हो. कीवर्ड मतलब फ्रेजेस भी हो सकते हैं. यहाँ पर मेन कीवर्ड आ गया, ओके, और यहाँ पर मेन कीवर्ड्स आ गए. अब हम एक सैम्पल देखते हैं. ये एक ऐसे है, सैम्पल है, चेक करिए. सम पीपल लाइक टू डू ओनली व्हाट दे ऑलरेडी डू वेल, अदर पीपल प्रेफर टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड टेक रिस्क, व्हाट योर ओपिनियन. सिंपल सी बात है कि कोई लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से करते आ रहे हैं वही करना कर रहे हैं आगे जाके भी, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम कुछ नया करें चाहे उसको रिस्क लेना पड़े. तो उसके रिलेटेड क्या आ गया, देखो टेक रिस्क, यहाँ पर टेकिंग रिस्क आ गया. ट्राइंग न्यू थिंग्स, वो हमने देखा ट्राई न्यू थिंग्स, इसको बीच में डाल दिया. ठीक है, यहाँ पर एंड है, दो वर्ड आ गए ना, टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू थिंग्स. आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए. फिर उसके बाद न्यू एक्सपीरियंसिस, रिस्की सिचुएशंस एंड पीपल मेंटली इन दिस एरिया. लास्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क टेकिंग, फिर रिस्क एंड स्टेइंग कंफर्टेबल इन देयर ओन वेज. देखो कितने अच्छे तरीके के साथ हमने इसको बना दिया. तो मतलब आपको कीवर्ड्स भी आने चाहिए. ये नहीं है कि आपके पास टेम्पलेट आ गया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है गाइज. तो आप इसको स्नैपशॉट ले लो और इसकी तैयारी शुरू करो. तो गाइज आपने देखा, आई होप आप सभी ने सीख लिया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं सुना है स्पीकिंग का, वो कर लो. अब नीचे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं. क्या आप थर्ड डे में, डे 3 में सीखना चाहते हो रीडिंग के सारे फिल इन द ब्लैंक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स और ग्रामर रूल्स, नीचे जरूर कमेंट करना. इंतज़ार करना, जितने कमेंट आएंगे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे को लोग सुन रहे हैं और लोगों के अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो कोचिंग के लिए. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी कोचिंग चलती है, पूरे वर्ल्ड वाइड में चलती है. यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग एज पर योर वर्किंग आवर्स. ऑल द बेस्ट.